पाकिस्तान कोई धोरा से टिपके जाती है तो फिर वापिस दे। हाँ पहनावा है यहाँ का वो साफा भी है और सुबह जाता बकरियों के पीछे ऊँटनियों के पीछे तो पानी पीने के लिए बिल्कुल होता नहीं। जंगल में घूम के 12-1 बजे वापिस आना, कम से कम 28-30 किलोमीटर घूम के यहाँ आ रहे, खुद पानी पीते थे, एक दूसरे बखाड़ी करके मल भिड़ते थे, चंबा जल के देते, वो ताकत लगाते, कहीं ऐसा कोई बिल्कुल हलचल उठ नहीं बैठ सकता, तो वो उसी किसी को झोड़ी में बैठा के माचे में बैठा के आदमी को ले जाता था वहाँ। 5 नमस्कार दोस्तों, तो अभी ड्राइवर रीर करो ये लीसा। सुबह 7 बजे है और केरला से रात को तो कोई गाड़ी मिली नहीं, अभी मिली है सुबह, ये जा रहे कोई काम से। वैसे इधर कोई गाड़ी जाती नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हैं अंकल जी, आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी मूछें हैं। शुभ नाम आपका? मानना गेमर सिंह। गेमर सिंह जी, गाँव म्याजला। म्याजला के हैं और ड्राइवर साहब है साई। अब हम जा रहे हैं जिस गांव में, मिठड़ाऊ गांव है, बॉर्डर के जस्ट पास में है, लगभग आप मान लो 1 किलोमीटर दूर है। वहां से आपको पूरा बॉर्डर साफ दिखाई देता है उस गांव से। तो ठीक है, मिलते हैं वहां के गांव के लोगों से और फिर देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे हैं मिठड़ाऊ गाँव। ठीक है भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बनी हुई है, मतलब सभा भवन बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, और आज मैं हूँ मिठड़ाऊ। मिठड़ाऊ गांव जो जैसलमेर ज़िले में पड़ता है, जैसलमेर से लगभग ये 120-30 किलोमीटर दूर है, एग्जैक्ट पता नहीं है कितना है, लेकिन लगभग 120-30, और ये पाकिस्तान बॉर्डर के जस्ट पास में। यहाँ से मतलब आधा किलोमीटर आगे पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा है, वहाँ पे तार बंदी की हुई है। और यहाँ से अब ये मकान देख रहे हो ऊपर पीछे, इसके ऊपर चढ़ के अगर देखा तो सामने पाकिस्तान के गांव भी दिख जाएंगे, या पाकिस्तान की जो बॉर्डर सरहद है वो दिख जाती है, मतलब सामने ही पड़ा है। और अभी मैं जा रुका हुआ हूँ, ये नरपत सिंह जी की ढाणी है या घर है, मकान है, इधर टांका बना हुआ है पानी का, और आप देख रहे हो पाइपलाइन लगी हुई है, उस नल से जो बारिश होती है ऊपर से पानी इस पाइप के सहारे पूरे इस टांके में भर जाता है और फिर ये पीने के काम लेते हैं। आजकल ट्यूबवेल भी हो गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ का जो पानी है वो खारा है, तो पानी पीने के लिए भी अगर आता है तो फिर वो केरला गांव जो कल रात जहाँ मैं रुका था वहाँ से आता है। और इस तरफ आप देखोगे तो एक झोंपड़ा बना हुआ है, नीचे तो पूरा पक्का है, पत्थर का बना हुआ है, लेकिन ऊपर जो छत की हुई है वो कैसी है, ऐसे घास फूस की है, ठंडा रहता है। अब अंदर से आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा है। और ये आंगन वगैरह है वो मिट्टी का ही बना हुआ है, बीच में ऐसी खाली जगह है जिसमें आग वगैरह जला लेते हैं सर्दियों में, यहाँ के लोग चिलम पीते हैं, बीड़ी जैसी होती है वो, जैसे हुक्का पीते हैं वैसे चिलम बोलते हैं, वो पीते हैं बुजुर्ग लोग। लाइट वगैरह ली हुई है, ऊपर जो छत है अंदर से बहुत अच्छी बनी हुई है। मतलब झोंपड़ा भी इधर रखी हुई मटकी, इसमें मीठा पानी भरा हुआ है। तो ये देखिए, ये रेत के टीले हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है। एक ये छोटा सा गांव है, ये गांव ये स्कूल है, पीछे घर है, बस इतना छोटा सा गांव है। और सामने वाली जो टीला देख रहे हो वो पेड़ वेड़ शायद पाकिस्तान के अंदर है, उससे पहले ही तार बंदी है। लोग कैसे बोलते हैं उसको, ये क्या मतलब,
खेलने के लिए। तो ये गांव के बच्चों का खेल है, मतलब ऐसे ये दौड़ते हैं जब रेस्ट होती है। वाड़ी खेलते हो? वाड़ी खेलते हैं। और खाल खेलते हो? वाह, रेत पे कहाँ खेलते हैं? उधर गांव में एक टल्लर है, टीटी स्टेट खेलते हैं। टीटी स्टेट किसे? अच्छा, ट्रेन वाला है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी स्कूल है। हैं, सब लोग खेलते हैं? ये हमारी बकरियां हैं, ये आपकी है? बकरियां तो बहुत हैं। ये तो एक है, गांव वाले आते ले गए, आते उधर है, आते उधर। तो दोस्तों, यहां पे बकरियां आप देख रहे हैं, इतनी एक एक की है, हैं? ये पूरी एक की है। रेट क्या है इसकी अंकल जी? एक बकरे की या बकरी की 7-8 हज़ार रुपए बड़ा बकरा होता है उसका। तो मतलब शुद्ध रूप से ये लोग भी अच्छे पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, तो कम माया नहीं है। दिखते ऐसे ही है, हाँ, दिखते भी अच्छे हैं। अभी कैसे जाएगी? अभी वहाँ पर तार बंदी है, वहाँ पर निकल के जाती, तार से निकल के चली जाती पाकिस्तान, टिपके जाती है। तो फिर वापिस कैसे आती है? वापिस हम देखे, वापिस आ जाते के यहाँ चली गई। अच्छा, उधर चली जाती है, उधर रह जाती है, इधर आती है, वो आप ले लेते हैं। तो बराबर होता है या नहीं? बराबर होता है उनकी, हमको फिर ज्यादा आ जाती है, हमारी सो की ऐसे छांग जाती है, छांग की छांग चली जाती है। तो आपको नुकसान ज्यादा होता है? उनका गाँव पाकिस्तान में था, फिर आप यहाँ आ गए। 1965 लड़ाई बाद आए पाकिस्तान, हमारा 2 किलोमीटर। ये आपको किसने बताया हम यहाँ आए? किसने? दादाजी। तो दोस्तों, ये जो बच्चे हैं ये अपने बुजुर्गों के पास बैठते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। पहले हमारे गांव लखेवाड़ा था, पाकिस्तान लखेवाड़ा, उस गांव के रहने वाले। देखो, इन बच्चों को भी जानकारी है, ये यहाँ के लोग बच्चों को। अब आप सिटी के शहर के बच्चे को पूछोगे दादाजी का नाम भी पता नहीं है उनको, भी दादाजी नाम पता ही नहीं, बस मम्मी पापा। पीढ़ी आती बहुत, कितनी पीढ़ी आती, पीढ़ी बताना। 7-8 इसको पूछो, मैं इसको। हाँ, आप बताइए पहले, एक मिनट, धीरे 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 धीरे। हाँ, गोविंद सिंह, 14 पीढ़ी आती है इनको। मतलब इन्होंने ये पूछा है इनके पिताजी का नाम क्या है, पिताजी के पिताजी का, दादाजी के पिताजी का, उनके पिताजी का, ऐसे पूछे, तो इन्होंने पूरी 14 पीढ़ी बताई है। ये गांव में मिलेंगे ऐसे, क्योंकि ये अपने दादाजी से सीखते हैं। दादाजी बताते आपको ऐसे, पीढ़ी दर पीढ़ी इनको ऐसी पीढ़ियाँ बताते जाते हैं और ये सीखते जाते हैं। तो इन्हें भजन आते हैं और गीत भी आते हैं। बहुत सारे आते हैं, गीत बहुत, भजन भी आते हैं। एक गीत कोई बढ़िया सब मिलके कैसे सुनाओगे? हाँ, गुड़ जा काले कावा तेरे मुंड पे खंड पावा, भेजा तू संदेश मेरा मैसेज भेजावा, ओ गोरियां परदेसी तेरी मेरी इक जिंदगी, गोरियां परदेसी तेरी मेरी इक जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसको पीढ़ी आती है? तेरे को आते है? ये भी आता है यहाँ, पूछो इसको, कौन पूछेगा? ले ये पकड़ो, आप पूछो इसको। देखो, 14 पीढ़ी इनको, ये दोनों भाई हो आप? अच्छा, इसलिए आपको याद है, ऐसे सबको याद है। तो देखो, ये पीढ़ियाँ सबको याद है, इसलिए इनको सब अपने पूर्वजों के नाम याद है, कितनी पीढ़ी से हम कब अलग हुए, कितने हुए, सब बताएं यहाँ के। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी दिन के लगभग 12 बजे हैं और आंधी, इतनी तेज़ आंधी है और धूल उड़ रही है। देखो, ये बालू रेत है, अब ये धूल उड़ती हुई इसमें देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हो जो बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारा जो पहनावा है यहाँ का, वो साफा भी है और धोती को हमारे इधर तेवटा बोलते हैं अलग भाषा में। ये मारवाड़ी और या सीमावर्ती लोग धाट की भाषा बोलते हैं पाकिस्तान, तो कॉमन भाषा है यहाँ की। यहाँ बुज़ुर्ग लोग हैं, पाकिस्तान की सीमा पे सटा हुआ ये गांव है, तो इनको इस एरिया का बहुत
लंबा तजुर्बा है। ये बाजी बैठे हैं, शुभ नाम आबरो बा सरदार सिंह जी, बा आप की उम्र है? 80 में एक कम है। काफी लंबा तजुर्बा बाजी है, वो भी काफी बुजुर्ग हैं। उधर बार की नाम देसल सिंह जी है, मेरे से बड़ा है। उनकी भी लगभग 85-90 के आसपास उम्र होगी। एक आगे बैठा भी जो दूसरा, वो अंकल जी जो बैठे हैं अभी सर, भाई है। अच्छा, उनकी भी उम्र 90 साल। और यहाँ का खान पान ऐसा है कि आप देखोगे तो 80-90 साल के बुजुर्ग भी ऐसे लगेंगे, हटे कटे, उनकी हाइट पर्सनैलिटी देखो आप, काफ़ी लंबे चौड़े कद के होते हैं यहाँ के लोग। हमारे साथ हैं यहाँ के ठाकुर नरपत सिंह जी, जो इस गांव के ठाकुर हैं, उनके ही घर पे अभी मैं रुका हुआ हूँ, इनकी कोठड़ी में। तो इनसे जानिए, इनको बहुत नॉलेज है पुराने ज़माने का, इनको और भी ज़्यादा, क्योंकि पुराने ज़माने में कैसे लोग रहते थे, उनका जीवन कैसा था, वो सब हम जानेंगे। यहाँ से मेजला 26 किलोमीटर दूर है, तो 26 किलोमीटर मेजला से 40 केजी अनाज, 40 केजी जी हमारे खोए पर लेके मैं यहाँ घर आया था, मतलब 26 हाँ 40 केजी मतलब वजन था, मतलब एक मन, एक मन 40 किलो वजन, 26 किलोमीटर हाँ 26 किलोमीटर में वहाँ से लेके आया था, पानी वहाँ का पिया, यहाँ आके पानी पिया था, बीच में कोई पानी का साधन नहीं था उस जमाने में, यहाँ आके पानी पिया था, ना जाए यहाँ लाके बच्चों को खिलाया था। अच्छा, पहले मतलब ऐसी कंडीशन थी कि ना तो सड़कें थी ना साधन, बिल्कुल नहीं थी, सड़क आते ही कौन, साधन तो आज भी नहीं है, तो आज भी कौन, तो जिके दिन तो बिल्कुल आते ही कौन को। पर उसके बाद में तो ऊँट होता, तो ऊँटा में जाता, ऊँटा में 5 क्विंटल में दो क्विंटल नहीं, बोरी जो बकरी की बोरी होती थी, अच्छा। वो 2 आदमी उठा के उनके ऊपर देते थे। अच्छा, 2 क्विंटल, दो क्विंटल, अच्छा 5 मन हो गया, हाँ 2 क्विंटल का, हाँ। तो वो 2 आदमी उसको उठा के ऊँट के ऊपर डालते थे। अच्छा, दो आदमी मिलके, हाँ। 1 क्विंटल तो वजन आप, मैं खुद भी उठा सकता था, हाँ। उठाता था, पर 2 क्विंटल तो उठता नहीं था, हाँ, तो दूसरा सामने समाव खड़ा होता, तो हम 5 मना अनाज उठा के ऊँट के ऊपर लाता था। मतलब पहले लोगों में जो ताकत थी वो बहुत थी। आज देख लो 60 वर्ष की उम्र है और उनकी फिटनेस देखो, उनका शरीर देखो, आज भी इतनी बहुत मेहनत की थी। सुबह जाता बकरियों के पीछे, ऊँटनियों के पीछे, तो पानी पीने के लिए बिल्कुल होता नहीं, जंगल में घूम के 12-1 बजे वापिस आना, कम से कम 28-30 किलोमीटर घूम के यहाँ आने, खुद पानी पीते थे। पानी साथ में भी नहीं, पानी साथ में कहाँ था, कोई जंगल में पानी नहीं था बिल्कुल, ये सुबह निकल जाते जल्दी, फिर ऊँटनियाँ ले के बॉर्डर पर घूम के और वापिस 1-2 बजे यहाँ पहुँच जाते थे। यहाँ पे तो बहुत तेज गर्मी पड़ती, हाँ, थी। तेज बिल्कुल तेज पड़ती, अभी भी देखो तो आज अभी उसी समय में आते पानी पी के, उसी समय में ना कुआ जोतते थे, कुआं से पानी निकालते थे, फिर मवेशी को पिलाते थे, गायों को, बकरियों को और ऊँटनियों को पानी पिलाते थे। ऐसी पेशी मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा की थी, मतलब आदमी काम में लगा रहता था, फिर टाइम ही नहीं मिलता था, उतना टाइम करते उसको छोड़ के वो होता, तो इसको हमको ये पता नहीं पड़ता कि अभी हम तो तंग हो गया, बिल्कुल आते थे यहाँ, वो खेल खेलते थे, कबड्डी रमते थे। अच्छा, खेल भी खेलते थे, खेलते थे उसी टाइम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खेल खेलते थे, कबड्डी रमते थे, अच्छा। बिल्कुल एक दूसरे बखाड़ी करके मल भिड़ते थे, मल, हाँ पल यही होता था, हाँ एक दूसरे चंबा जल के देते, वो ताकत लगाते, किसने ताकत उसमें है, कितनी उसमें है। अच्छा, मतलब ये हम ताकत के खेल खेलते, हाँ, ताकत के खेल खेलते, जोर आजमाइश करने, हाँ, का ऐसे ही खेल होते थे। अगर जैसे ये पाकिस्तान तो आपके जस्ट पास ही है, अब पाकिस्तान है, पहले शायद आप भी पाकिस्तान में ही थे, पहले पाकिस्तान में थे, हमारा जुल्म तो यहाँ का ही है। अच्छा, जुल्म तो यहाँ का ही है, फिर पाकिस्तान से हमारा माइत आए थे यहाँ। अच्छा, पेशेंट से पहले आ गया था। अच्छा, आप उससे पहले आए, ये मतलब यही गाँव थे, हाँ गाँव यहाँ नहीं था, हमारा बीनातला था, बीनातला में म्याजला के पास में, फिर आके ये यहाँ यहाँ मियाँ लोग रहते थे, ये कुआ मियाँ का, फिर अच्छा। मियाँ चला के आ गए उधर, फिर हम मियाँ बस गए। अच्छा, यहाँ पे कुआ था, कुएं के आस पास ही लोग बसते थे, फिर बसते रहे। तो यहाँ पाकिस्तान में आपके नज़दीक कौन सा गांव पड़ता है? हमारा गांव यहाँ खारा पड़ता है, खारा यहाँ पास ही है बॉर्डर के उस पार, हाँ उस पार खारा है। तो वहाँ तो जैसे आप लोग खूब जानते हैं उन लोगों को, वो जानते थे, वो पहले पुराने जमाने में जानते थे, अभी वो कितने मरे कितने जिंदे। अच्छा, पहले आना जाना, पहले आना जाना नहीं थी, हमारी मवेशी जाती तो वो वापस करते थे, उनकी मवेशी आती तो हम वापस करते थे, मवेशी का काम था और कोई काम नहीं था, और काम नहीं, बिल्कुल काम नहीं था, मतलब फिर भी हम प्यार से रहते, प्रेम से, प्यार से, कोई लड़ाई झगड़ा, हाँ हाँ बिल्कुल,
ये बी एस एफ है तो हमारा दवा भुज था, बी एस एफ तो हमारी मेहनत करते थे, इमरजेंसी में कोई ऐसी कोई औरत के आज कोई बच्चा वगैरह होता तो उसी टाइम में तो वो गाड़ियाँ देता था, गाड़ी लेके हम जैसलमेर पहुँचते थे। बी एस एफ जो रहती वो आपकी खूब मदद, बिल्कुल मदद करती, हमारा तो एक भुज था बी एस एफ, अभी तक भी है ना, उसी टाइम भी थी। आज भी अगर किसी को इमरजेंसी पड़े ठीक है, थोड़े बहुत साधन हो गए, नहीं होते थे तो आप बी एस एफ से गाड़ी हमारा आराम से मियाजलाल पहुँचाते थे, आराम से कई बार तो जैसलमेर ले गया, कई बार मियाजलाल पहुँचाया, तो अभी तक भी कर रहे हैं। अंकल जी जैसे पुराने जमाने में जैसे किसी को यहाँ बीमारी हो जाती है, बिल्कुल होती थी उनके पास, तो यहाँ से लगभग 135 किलोमीटर से पहले तो कोई साधन ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं, मतलब जैसलमेर ही जाना पड़ेगा, आज भी जाना है पहले भी था जैसलमेर, तो पहले कैसे जाते थे, अब तो साधन हो गए, अब पहले जाते थे ऊँट पे जाते थे, ऊँट पे आप जाते थे तो कितने दिन लग जाते हैं यहाँ, बिल्कुल 3 घंटे से पहुँच जाता हूँ उठवा, 28 किलोमीटर मियाजलाल पहुँच गए, मियाजलाल से कोई गाड़ी पकड़ लेता, बस पकड़ लेता, मियाजलार से भी पहले भी गाड़ी थी बस थी। अच्छा मियाजलार से मियाजलार तक 2-3 घंटे में आप 2 घंटे पहुँच, 3 घंटे पहुँच जाता यहाँ, तो बड़ी मुश्किल से वो बीमार था उनको बिठाना, उसको पकड़ना ऊँट के ऊपर, हाँ उसको पकड़ नहीं ऐसा कोई बिल्कुल हलचल, ऊँट नहीं बैठ सकता, तो वो उसी किसी को झोड़ी में बैठा के मचे में बैठा के आदमी को ले जाता था, वहाँ 5-6 आदमी इकट्ठे हो गए, उनको मचे के ऊपर ऊपर उठा उठा के ले जाते थे, सिर पे मतलब एक बेड पे उनको बांध देते थे, फिर 4-5 आदमी उसको उठा के वहाँ पहुँचाते थे। हाँ ऐसा समय निकाला था, कोई मतलब समय का बलवान था, मतलब आपने संघर्ष बहुत किया है, बहुत ही किया, अभी भगवान के प्रभु के कहा बोला अभी ठीक हाँ, पर बहुत भोगत भोगी थी, प्यास भी भोगी थी और भूख भी भोगी थी। अच्छा अभी प्रभु की देन है, अब तो माता की देन है, देवी माता शक्ति की देन है, सब कुछ हो गया, बहुत भोगत भोगे था। तो कुल मिला के यहाँ के लोगों का जीवन जो पहले था बहुत बहुत मतलब संघर्ष पूर्ण जीवन रहा है। आज भी आंधियां आती है, आज मैं यहाँ तो अब सामान्य मौसम है, मान लो गर्मियों में आज भी क्या हालत होती है, गर्मियों में बहुत बुरी हालत होती है, आंधियां लगती रहती है, आंखियों में धूल पड़ती रहती है, खाने में रेता पड़ जाता है, हाँ कभी खाने में आज भी आंधी चली, पानी पीने के लिए मीठा आता नहीं तो केरला से पानी आता, वो कभी आता नहीं, खारा पानी पीना पड़ता। अच्छा खारा पानी, हाँ कड़वा पानी जो पशु पीता वही हम पीते हैं। लू खूब लू तो बहुत अग्नि जैसी अग्नि चलती थी, ये आसपास चारों तरफ आप देख रहे हो, ये मतलब रेत की टीले ही है, कम से कम तो 4 महीना तो ये रेत चलती रहती, उनके बाद बारिश बरसती तभी कुछ ठंडा पड़ जाता। और अंकल जैसे अपना गांव है ना, इसमें जैसे शिक्षा का स्तर अभी कोई गवर्नमेंट जॉब में या और भी है क्या, या अभी नहीं है गवर्नमेंट में, अपने सरकारी नौकरियों में कोई, यहाँ नौकरियों में हमारे यहाँ 3 लड़के है वो बॉर्डर होमगार्ड में है, होमगार्ड में है, बाकी कोई नहीं है। पहले पुराने जमाने में एक वो आंसरा सिंह का लड़का था, जेतमाल सिंह, भीम सिंह, वो आर्मी में थे, आर्मी राज रिफल, अच्छा उसमें थे। अब पढ़ाई में, अब जैसे आप तो अपने बच्चों को अपने पोतों को पढ़ाई के ऊपर काफी जोर देते हो कि नहीं, पढ़ाई के लिए देते हैं, यहाँ टीचर लोग रहते नहीं तो उसी वजह से तो कम ही रहते, बाकी तो किसी के पास पैसा तो वो जिसमें पढ़ा रहा है, कोई जोधपुर पढ़ा रहा है, कोई कहाँ पढ़ा रहा है, बाड़मेर पढ़ा रहा है, कोई मियाजलाल पढ़ा रहा है, ऐसी हमारा कर रहा अभी तक की कोई यहाँ, लेकिन गाँव फुल व्यवस्था नहीं है। स्कूल में 8वीं स्कूल है अभी, 8वीं स्कूल है, एक सर थे वहाँ पे तो टीचर एक ही रहता है यहाँ, हाँ एक से दूसरा टिकता ही नहीं है, कम से कम 8वीं क्लास है तो 8 टीचर होना बहुत जरूरी है, हाँ हाँ 8 है तो उसमें 2 ही है, 2 में तो एक डाक नहीं जाता तो एक रहता, एक बोलता कि हमारी छुट्टी पर गुजर रहता तो स्कूल बंद रहती है, इसी हिसाब से तो बच्चों की तो हालत खराब है। ठीक धन्यवाद, ओके थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है नरपत सिंह जी जिन्होंने अपनी पुरानी कुछ कहानी बताई, गाय बछड़ा आ गया बेटी थे उनको, अच्छा अच्छा इनकी गाय आ गई, अब दौड़नी पड़ेगी इनको।